हेलो, आज हम लोग का आठवां क्लास है। आज हम लोग का आठवां क्लास है। पिछले 7 क्लासों में हम लोग ढेर सारी कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। मेरा आठवां क्लास है ना। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो कि आपको बहुत सारी मदद करेगी। कोई भी बुक्स ले लो, पढ़ाई करने के लिए कोई भी बुक्स ले लो, इससे रिलेटेड ढेर सारी सवालें रहती है, बड़े आराम से पढ़ सकते हो। बस ध्यान आप कॉन्सेप्ट पे कीजिएगा और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पे कीजिएगा, बस ध्यान से देखिएगा। तो आइए, और हाँ, चैनल्स को ऐड कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल्स को ऐड कर लीजिएगा, जिससे वीडियो कंटिन्यू डेली मिल जाए आपको। डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 2 सवेरे और शाम, ध्यान से। तो आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग का है टू साइन इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। मतलब देखिए, तो टू साइन इनवर्स एक्स का दो फार्मूला, टू साइन इनवर्स एक्स का दो फार्मूला होती है। ये फार्मूला कैसे हुआ, हम एक वीडियो में इसे प्रूव करेंगे। ये फार्मूला कैसे बनी, हम एक वीडियो में इसे प्रूव करेंगे। ये कैसे बनी, किसकी मदद से बनी, हम इसको प्रूव करेंगे। फिलहाल हम फार्मूला को नोट कर लिए हैं और आप इसे थोड़ा सा ध्यान ले लेंगे। टू साइन इनवर्स का दो फार्मूला, एक फार्मूला साइन में, एक फार्मूला कॉस में। टू साइन इनवर्स का एक फार्मूला साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसी का एक फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए, कब कौन से फार्मूला को यूज करनी है ये सवाल डिसाइड करेगा। कब हमें कौन सी किस फार्मूला को यूज करनी है ये सवाल डिसाइड करेगा, समझ रहे हो। जैसे हम एग्जाम्पल्स लिख चुके हैं, अभी हम देखने वाले हैं। तो टू साइन इनवर्स का दो फार्मूला, एक साइन में और एक कॉस में, एक्स का मान बदलते रह सकता है सवाल में। टू कॉस इनवर्स एक्स का एक फार्मूला, केवल और केवल एक। टू टेन इनवर्स का तीन फार्मूला, एक साइन में, एक कॉस में और एक टेन में। टू टेन इनवर्स एक्स का तीन फार्मूला, एक साइन, एक कॉस और एक टेन में। बड़ी ध्यान से देखने वाले हो आप लोग। अब कब कैसे इसे यूज करेंगे, आइए हम सवाल के साथ देखते हैं। आइए सवाल के साथ देखते हैं। हम आपको लिख के सवाल हम नोट करके लिख चुके हैं, ध्यान से आप देखने वाले हो। हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं सवाल। ये मेरा पहला सवाल है, प्रूव करें, प्रूव दैट एल एच एस, ये मेरा एल एच एस है और हमें आर एच एस लानी है, मतलब पाई बाई फोर, 45 डिग्री लानी है। तो हम आइए हम एल एच एस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एल एच एस, है ना। सबसे पहले हम एल एच एस लिख लेते हैं। एल एच एस मेरा है टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, ये मेरा एल एच एस है। अब ध्यान से देखने वाले हो आप। अब देखिए, टू टेन इनवर्स, ये देखिए, पहले इसे देखिए आप, क्या ये फार्मूला नहीं दिख रहा आपको, साफ दिख रहा है। ये टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला पे है, टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला पे है, टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स के लिए 1/3 है, टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब 1/3। अब टू टेन इनवर्स एक्स का कुल कितना फार्मूला होता है, 3, लेकिन हमें यहाँ पे साइन चाहिए कि कॉस चाहिए कि टेन चाहिए। देखिए साइड में क्या है, टेन है, तो इसीलिए हमें ये टू टेन इनवर्स एक्स का टेन के रूप में ही फार्मूला चाहिए। तो हम टू टेन इनवर्स का फार्मूला टेन के रूप में ही हम लोग पुट करने वाले हैं। तो आइए, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन के रूप में फार्मूला देखिए क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, टू टेन टेन इनवर्स, उंगली देखिए मेरा, टेन इनवर्स 2x, देखिए 2 × x बट्टा 1 माइनस, फार्मूला से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/3 का स्क्वायर हो रही है 1/9, ये रहा फार्मूला 2x/1 − x2। अब प्लस इसे तो हम ढोते ही रहेंगे, टेन इनवर्स 1/7, इसे हम ज्यो का त्यों ढो लेते हैं। चलिए इसे थोड़ा और जोड़ घटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं कैलकुलेशन से। टेन इनवर्स ये मेन बट्टा है, ऊपर में इधर कितना दिख रहा है 2/3, थोड़ा भिन्न का घटाव कर लेते हैं, 9 × 9 और 9 में से गया तो 8/9, इससे हम लोग निकलने वाले हैं। प्लस टेन इनवर्स 1/7, आइए ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में। ये नीचे में 4/3 दिख रहा है, लेकिन हम पलट देंगे ना, हो नीचे में 4/3 दिख रहा है, तो हम जैसे इसे पलटेंगे कैलकुलेशन टेन इनवर्स, तो 3/4 हो जाएगी। मुझे दिख रहा है 4/3, लेकिन पलटेंगे तो 3/4 हो जाएगी। अब प्लस ये टेन इनवर्स एक्स अपने लिए 1/7 अपने जगह पे। अब जैसे हम एक बार फार्मूला लगाएं, हमें यहाँ पे आकर रुक गए, मतलब जैसे आप फार्मूला लगाओगे, सोचोगे, दिमाग लोगे, कुछ स्टेप तो को खुद बढ़वाएगा आपको। जैसे आप सवाल को सोच के फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद एक बार सोचो, वो खुद आपको 2-3 स्टेप आगे ले जाएगी। जहाँ पर आप अटके, एक बार फार्मूला लगाएं, सोचे, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, अटक गए,
जहाँ पे आप अटके वहीं पे रुके और सोचना स्टार्ट करें। जैसे कि हम यहाँ पे आकर अटक गए, जैसे अटके सोचना स्टार्ट करें, ये सब इसको सोचिए। तुरंत सोचिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि जरूर कोई ना कोई फार्मूला है, ऐसा मिलते रहेगी। कोई बड़ी आसानी से सोच लीजिएगा, किसी प्रॉब्लम पे थोड़ा टाइम लगेगी सोचने में, लेकिन बड़ी आसानी से सोच सकते। अब जैसे देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये भी एक फार्मूला है जिसका हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। ये भी फार्मूला है ना जिसका हम क्लास पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगर ये फार्मूला के बारे में आइडिया नहीं तो पिछले वीडियो देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब इसे हम लोग काम कर लेते हैं। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स तीन बटे चार, एक्स प्लस वाई वन बटे सेवन बटे वन माइनस एक्स तीन बटे चार इंटू वन बटे सेवन। ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला। जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के फार्मूला पे हम पुट करने वाले हैं, अब बताओ ये मेन बटा है, हम भी इनका जोड़ घटाव करने वाले हैं। जैसे भी इनका जोड़ घटाव करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। इधर हो जाएगी सात चक्के अट्ठाईस, इधर सात दिया इक्कीस, अब प्लस चार, नीचे में देखिए लघुतम हो जाएगा सात चक्के अट्ठाईस। ये सात चक्के अट्ठाईस में से तीन गया तो पच्चीस हो जाएगी। देखो अट्ठाईस अट्ठाईस कट गई और यहाँ पे आप देखने वाले हो टेन इनवर्स पच्चीस बट्टा पच्चीस। अब ये कट के कितना हो रही है, आपको कट के हो रही है टेन इनवर्स एक, और इसी टेन इनवर्स एक को ना पाई बाई फोर कहेंगे हम। टेन एक का मान पैंतालीस डिग्री होती है, तो ये टेन एक का मान कितना हो रही है पैंतालीस, जो कि हम लोग को आर एच एस में लानी है पैंतालीस। यही हम लोग को आर एच एस लानी है, प्रूव हो गई ना हम लोग आर एच एस। देखिए ये सवाल जो हम लोग नोट किए थे है ना, इसे हम हल नहीं कर पाए, जगह नहीं बची ना, लेकिन हम लोग इसका जगह ले लेते हैं, समझ रहे ना। अब इस सवाल को हम दूसरे वीडियो में देख लेते हैं, खैर थोड़ा सा आप हिंट से ले सकते हो दूसरे वीडियो में कैसे। टू साइन इनवर्स एक्स है ना, इस सवाल को थोड़ा सा देखिए, इस प्रॉब्लम्स को टाइम नहीं बचा ना। टू साइन इनवर्स एक्स इसको भी प्रूव करने के कह रहा था, तो ये मेरा क्या हो गई है एल एच एस। तो हम इस सवाल के लिए हम फिर से एल एच एस लेते हैं, है ना, इस सवाल के लिए हम एल एच एस लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैनेज करेगा, हम एल एच एस ले लेते हैं। मेरा एल एच एस क्या है, टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव। अब बताइए हमें लाना क्या है, टेन, हमें लाना है टेन। अब टू साइन का फार्मूला टेन में है, हमें टू साइन दिख रहा है लेकिन लाना क्या है टेन में। थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, पहले बता चुके थोड़ा मैनेज करिए, टू साइन का है लेकिन हमें क्या लाना है टेन। तो टू साइन का कितना फार्मूला है, टू साइन का दो फार्मूला है, एक साइन में और एक कॉस में। टू साइन का दो फार्मूला है, एक साइन में और एक कॉस में। तो या तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो हम अभी साइन को साइन बना ले है ना, उसके बाद साइन को टेन बना ले, क्योंकि पिछले क्लास में हम किसी भी चीज़ को कैसे किसी दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है हम देख चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस चीज़ों को क्यों दूसरे, हम साइन को टेन बना सकते हैं, किसी चीज़ को बना सकते हैं लंब कर्ण आधार पे। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो इस साइन को साइन बना दो, जब ये साइन बन जाए तब टेन बना दो, या तो आप इस साइन को कॉस बना दो, जब कॉस बन जाए तब टेन बना दो, नहीं तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसी को अभी तुरंत टेन बना दो। जैसे तुरंत टेन बन जाएगा फिर उस टेन को टेन बना दो, आपके पास तीन चांसेस हैं। अब तीन टाइप से सॉल्व कर सकते हो, आंसर्स में कोई लोचा नहीं। तो हम क्या करें, या तो इसी साइन को अभी टेन बना दें और फिर बाद में टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा देंगे। आइए अभी हम इसको टेन बना लेते हैं, तो चलिए टेन बना लेते हैं। तो टू साइन इनवर्स एक्स है, टू साइन इनवर्स एक्स है, जैसे टू साइन इनवर्स एक्स है तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो ऊपर वाला मेरा दिख गया है पी और नीचे वाला मेरा दिख गया है एच, देख रहे हो ना, तो ये मेरा पी बटे एच। जैसे ही पी और एच दिख गया तो इसीलिए हम बी निकाल सकते का, ये चीज आप रफ में कर रहे हो, ध्यान से, थोड़ा जगह की कंपाई है ना, है ना, ध्यान की कब, थोड़ा सा जगह की कंपाई, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये है पी और ये है एच, तो इसीलिए यहां से मुझे बी निकल जाएगी। तो बी कितना निकलेगी, चार, ध्यान से देखिए, बी निकलेगी चार, क्योंकि पी बराबर तीन एच बराबर पाँच, तो आधार बराबर चार निकलेगा। जैसे आधार चार निकला तो हम ये टू साइन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन में, टू साइन को कन्वर्ट कर टेन में। अब टेन में कन्वर्ट करेंगे तो टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है पी बटे बी। तो मेरा पी कहाँ गया भाई, मेरा पी है तीन और बी कितना निकल गया है चार। अब देखिए ये साइन टेन में कन्वर्ट हो गए, जैसे साइन टेन में कन्वर्ट हो गया अब ये टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। जैसे ये टू टेन इनवर्स एक्स हो गया तो टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है ना, तो टू टेन इनवर्स का फार्मूला हम लगा लेंगे। जैसे टू टेन इनवर्स का फार्मूला होता है क्या, टेन इनवर्स, थोड़ा मैनेज करिएगा भाई, थोड़ा मैनेज, टेन इनवर्स का फार्मूला हम लोग पुट कर लेंगे, टू एक्स तीन बटे
चार बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ और चार का स्क्वायर सोलह, और हम इसे आगे बढ़ा लेंगे, काम हो जाएगी, समझ गए, आराम से हम फॉर्मूला पुट करके आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग की काम हो जाएगी, समझ रहे हो ना, तो बड़ी ध्यान से पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम लोग ढेर सारा, चलिए ये भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सेम टू सेम देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए आप सेम ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी होगी एग्जाम्पल्स। ये देखिए हमें इसे प्रूव करनी है, एल एच एस ये है और ये है आर एच एस। सबसे पहले हम एल एच एस लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एल एच एस, तो आइए हम एल एच एस ले लेते हैं। मेरा एल एच एस है टू टैन इनवर्स वन बाई टू प्लस टैन इनवर्स वन बाई सेवन। ध्यान से देखने वाले हो आप लोग, ध्यान से देखने वाले हो। अब देखिए टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, सबसे पहले इसे देखिए टू टैन इनवर्स का कितना फॉर्मूला, तीन, साइन में कॉस में और टैन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम अप्लाई किए थे, हम टू टैन को टैन में ही तोड़ेंगे क्योंकि साइड में टैन है, तो टू टैन इनवर्स को टैन में तोड़ लेते हैं। तो टू टैन का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स टू एक्स, टू इन टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाई टू का स्क्वायर वन बटे चार, प्लस ये टैन इनवर्स वन बटे सेवन को ढोते रह रहे हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ा लीजिए, ये देखिए ये टू टू कट गई है ना, और इधर मुझे दिख रहा है टैन इनवर्स वन बटे चार में से गया तो तीन बटे चार, ध्यान देने वाली बात है, अब प्लस टैन इनवर्स वन बटे सेवन, ध्यान से। अब देखिए तीन बटे चार है तो हम पलट लेंगे तो क्या हो जाएगी, चार बटे तीन हो रही है, ये हो गई चार बटे तीन, और ये टैन इनवर्स वन बटे सेवन दिख रहा है। फिर देखिए सेम टू सेम फार्मूला पिछले क्लास में, फिर देखिए फिर हम इसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पुट करेंगे। फिर देखिए फिर अगर हम इसे फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला पुट करेंगे, ये टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का है, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स चार बटे तीन एक्स प्लस वाई एक बटे सात बटे वन माइनस एक्स वाई, चार बटे तीन इंटू वन बटे सात। फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा, फाइनली भिन्न का जोड़ घटाव करने के बाद आपको फाइनली मिलने वाले वही इकतीस बट्टा सत्रह, जोड़ घटाव आप कर ही लोगे, ये आपकी आ गई है आर एच एस, बड़े ध्यान से आप लोग सॉल्व कर सकते हो ये आर एच एस। एक एग्जांपल से ये देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए एग्जांपल से देख लेते हैं, ये मेरा एल एच एस हुआ, तीनों पार्ट एल एच एस हो गई है ना, ऐसा सवाल बोर्ड में मिलती है पाँच मार्क्स में, ये सवाल आपको मिलने वाली है पाँच मार्क्स में, ये मेरा हो गया एल एच एस, तीन आइटम्स हो गए एल एच एस। तो चलिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, सबसे पहले हम एल एच एस को नोट कर लेते हैं, नाउ एल एच एस, अब बताओ एल एच एस मेरा क्या है, टू कॉट इनवर्स पाँच। अब थोड़ा ध्यान दे लो यार, तीन टर्म है ना मेरे पास एल एच एस में, तीन टर्म है कॉट कॉट कॉट, लेकिन देखिएगा ये दोनों एक ही जाति का है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो उसे बढ़ाएंगे ना भाई, सवाल का रूल्स होती है जो पहले आप एल एच एस को पकड़ो और सोचो, इतना सोचो कि कम से कम एक स्टेप पे काम कर सकते हैं आप, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ही बार मत सोचे जो मेरे आंसर्स कैसे मिल जाएगी, आप पहले सोचिए जो हम इस प्रॉब्लम्स को एक स्टेप कैसे बढ़ा देंगे। अगर आप किसी भी सवाल को एक स्टेप बढ़ाने में कामयाब हो गई ना, मतलब आधा सवाल तो आपसे बन नहीं गई, क्योंकि अगर आप एक स्टेप बढ़ा लिए तो उसी एक को एक 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 कर, जैसे ही देखिए हम एक स्टेप बढ़ा लिए, फिर कुछ दूर तक बढ़े, फिर उसे एक स्टेप, फिर उसे, मतलब हम सोचते रहेंगे हर एक, मतलब जहाँ पर हम अटके ना वहाँ पर हम उस सवाल को फिर से न्यू सवाल की तरह रिएक्ट करेंगे, जहाँ पे हम अटके ऐसा हम लोग को लगना चाहिए जो यहाँ से फिर एक नई सवाल शुरू हो गई, फिर से नई सोच है ना, फिर से नई सोच आपकी काम हो जाएगी। तो हमें ये दोनों दो वाले को एक साथ रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये दोनों दो वाले को एक साथ रखते हैं तो दो कॉमन लेंगे फार्मूला पे बैठ जाएगी। तो चलिए टू कॉट इनवर्स फाइव प्लस टू कॉट इनवर्स आठ को एक साथ रखते हैं, और ये कॉट इनवर्स सेवन को साइड में रख लिए। अब देखिए ये दोनों तो एक साथ बन गई, जैसे दोनों एक साथ बन गए दोनों में दो कॉमन लेंगे, जैसे दो कॉमन लेंगे तो मुझे बच रही है कॉट इनवर्स फाइव प्लस कॉट इनवर्स आठ, ये फार्मूला पे सेट हो जाएगी, अब प्लस कॉट इनवर्स सेवन, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये टू के लिए टू, और ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फार्मूला हो गई, ये हो गई कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फार्मूला, और हम पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में देख चुके थे, तो पिछले वीडियो को आप देखिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो पिछले वाले वीडियो को देखिए। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कॉट इनवर्स बट्टा, नीचे में देखिए वाई प्लस एक्स आठ प्लस पाँच, फार्मूला देखिए वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वन, कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है वाई प्लस एक्स नीचे,
और y इंटू एक्स, उसी चीज़ को गुना करोगे और एक घटाओगे। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर में प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, प्लस। और इस चीज़ों को हम ज्यों का त्यों रखते हैं कॉटिंग के साथ। अब हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए, टू कॉट इन्वर्स है और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आठ पाँच चालीस में से एक गया तो उनचालीस, तो ये हो गए उनचालीस, आठ पाँच तेरह, थोड़ा ट्राई कीजिए, आठ पंच चालीस एक उनचालीस, उनचालीस बटा आठ पाँच तेरह, तो उनचालीस में हम तेरह से भाग देते, तेरह तिया उनचालीस, हमें यहाँ मिल रहा है तीन, ना हो है ना, उनचालीस में अगर हम तेरह से भाग देंगे तो हमको तीन मिल रही है। अब प्लस कॉट इनवर्स सेवन, ये तो अपने लिए क्लियर है। अब फिर से सोचिए, अब तो फार्मूला बैठा लिया, फिर देखिए क्या टू कॉट इनवर्स का फार्मूला है, टू कॉट इनवर्स का हम फार्मूला नहीं नोट किए, हम लोग फार्मूला लिखे थे अभी तुरंत, फार्मूला देखे हैं टू साइन का, टू कॉस का, टू टैन का, टू कॉट का फार्मूला नहीं था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इस कॉट को टैन बना लेते हैं, है ना। अगर इसके बाद हमको बढ़ानी है, हमें तो लानी है पाई बाई फोर, फिर देखिए ये कॉट का तो फार्मूला नहीं है, टू साइन का है, टू कॉस का है, टू टेन का है, हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे टू कॉट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस कॉट को टेन बना ले, तो कॉट को टेन बनाने के लिए कुछ नहीं है तो बट्टा में एक डाल सकते हैं, तीन कुछ नहीं तो बट्टा में, अब हम इस कॉट को टेन बनाएंगे तो पलट नहीं देंगे, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, तो इसीलिए हम ये आधार बटे लंब, तो पलटेंगे तो लंब बटे आधार, तो हम इस कॉस को टेन बनाने के लिए पलट देते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ये टू कॉट है और क्या बन जाएगी टेन, जैसे टेन बनेगी तो वन बटे थ्री जो है, थ्री बटे वन जो है वन बटे थ्री हो जाएगी, और ये कॉट इनवर्स सात बटे एक जो है एक बटे सात हो जाएगी। अब जैसे ए हुई ना, जैसे ए हुई फिर सेम टू सेम ये चीजें आपको इसके जैसा दिखने लगेगा, जैसे आप ये लाए हो ना, तो ये फिर से देखिए इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर दिख रहा है आपको, टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री, टू टेन इनवर्स वन बाई टू, प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, सेम टू सेम है, बस वन बाई टू के लिए वन बाई थ्री है, सेम प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हो आप, सेम प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले टू टेन इनवर्स का फार्मूला आप तोड़ते हैं, टू टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, टू टेन इनवर्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स, टू इंटू वन बटे थ्री बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर वन बटे तीन, प्लस जगह नहीं इसलिए थोड़ा नीचे लिखना पड़ा, प्लस टेन इनवर्स वन बटे सेवन, ध्यान से फिर आगे बढ़ाते हैं, इसे भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो रही है हम लोग को, टेन इनवर्स ये टू बटे थ्री बटा नौ में से गया आठ बटा नौ, अब प्लस टेन इनवर्स वन बटे सात, जो कहते हो ढो रहे हम लोग, ढो रहे ना, ढो रहे हम लोग बढ़िया आराम से। अब देखिए आगे में, अब देखिए तीन से नौ कट गया तीन बार में और दो से आठ कट गया चार बार में, तो चार बटे तीन है, जब पलटेगी तीन बटे चार हो जाएगी, अब प्लस टेन इनवर्स वन बटा सेवन, अब फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई हम लोग ऐसा अप्लाई कर चुके हैं, फिर से आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाओगे, तीन बटे चार प्लस वन बटे सात, वन माइनस तीन बटे चार इंटू वन बटे सात, अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, जैसे आप आगे बढ़ाओगे आपको क्या आने वाली, आपको आ जाएगी टेन इनवर्स वन, जैसे इसको आप आगे बढ़ाएंगे ना तो ये अंदर वाले पूरा कट बट करके आपको आ जाएगी एक, और टेन इनवर्स एक को हम लोग कहते हैं पाई बाई फोर, यही ना हम लोग आर एच एस है, देखिए बड़ी आसानी से प्रूव कर लीजिए, बस थोड़ा सा टाइम देनी पड़ेगी, जोड़ घटाओ देनी पड़ेगी, जोड़ घटाओ कीजिए, टाइम दीजिए और आपकी काम बड़ी अच्छे से हो जाएगी, समझ रहे हो ना, तो बस आप देखते रहिए है ना, आपकी सारी आपको सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएगी, आप अच्छे फील करेंगे, समझ रहे हो ना। चलिए ध्यान से अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए, थोड़ा सा इसे देख लीजिए, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए प्रूव करनी है, एल एच एस मेरा देखिए, एल एच एस में तीन टर्म है, इसे भी देख लेते हैं हम, एल एच एस है हमें लानी है, क्या है हमें लानी है पाई, आर एच एस लानी है, ध्यान से देखिए सेम टू सेम चीज़ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम बिना सोचे समझे हम एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस ले लिए, चलिए ठीक है, एल एच एस है मेरा टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, अभी तक हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स वाई जेड तीन टर्म एक साथ लेके तो कोई फार्मूला नहीं देखे थे ना, हम लोग सिर्फ देखे थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मतलब दो आइटम्स था ना, लेकिन यहाँ पे एक साथ कितना आइटम है तीन, तो काम कर लेते हैं पहले हम कोई दो को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पर पहले भी कोई दो को एक साथ लेते हैं फॉर्मूला पुट करने के लिए, कोई दो को एक साथ ले, जैसे हम इसे एक साथ ले लिए है ना, इसे एक साथ ले लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसे हम एक साथ ले लिए
समझ रहे हो ना। आइए हम बड़ी आराम से ले लेते हैं, नहीं तो अगर आप एक साथ फिर भी फॉर्मूला बारे में चर्चा करेंगे, एक साथ ले लेते हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई वन प्लस टू बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई वन इंटू टू फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई प्लस ये टैन इनवर्स थ्री को जो कहते हैं नोट कर लेते हैं, बस ढोते चलेंगे हम इसे। फिर टैन इनवर्स फार्मूला, एक प्लस दो कितना होगा दो, एक प्लस दो तीन, और एक में से दो घटा दो कितना हम लोग ले आते हैं, एक प्लस दो बराबर तीन, और तीन बटे वन माइनस टू तो माइनस वन, मतलब यहाँ पे हमें माइनस तीन ना दिखेगी, हो जब हमें माइनस तीन देखेगी, टेन इनवर्स माइनस तीन देखेगी कट कूट करके, अब प्लस क्या दिख रहा है, प्लस तीन दिख रही है, ध्यान से देखिए प्लस दिख रहे हम लोग को तीन, ये चीज़ है। हम लोग क्या लानी है पाई, चलिए हम बात कर लेते हैं उसके बाद फिर से, जैसे फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स, ये टोटल है एक्स और ये टोटल है वाई, और फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये एक्स ये वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस गुने वाई। इसको हम फिर आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, इसे हम यहीं पर आगे बढ़ा लेते हैं। टेन इनवर्स देखिए तीन में से तीन कट के कितना हो गए ये जीरो, और जीरो बटा दस है ना, तो जीरो बटा दस का मतलब टेन इनवर्स जीरो, और टेन जीरो का मान होती है 180 डिग्री, टेन जीरो 180 के बराबर, टेन जीरो को हम लोग कहते हैं पाई। ये देखिए आपको आरएचएस आ गई कंडीशंस, ये रहा हम लोग का आरएचएस। अब इसे देख लीजिए, इस एग्जांपल्स को देखिए, ये मेरा क्या है एलएचएस है, हमें क्या लानी है आरएचएस। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे हल करके लानी है, बोर्ड एग्जाम से ऐसा सवाल पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ देगा आपको दो मार्क्स के लिए, है ना, दो मार्क्स के लिए पूछ दिया जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, मेरा एलएचएस और ये आरएचएस है, इसे हल करके हमको क्या लाना है, हमें लानी है आरएचएस। आइए बात कर लेते हैं, सबसे पहले बिना सोचे समझे हम एलएचएस नोट कर लेते हैं, बिना सोचे समझे आप एलएचएस पहले नोट कीजिए। एलएचएस मेरा क्या है, नौ पाई बट्टा आठ माइनस नौ बट्टा चार साइन इनवर्स वन बट्टा थ्री, ये मेरा है एलएचएस। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाले यहाँ पे, हम यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे इसे, यहाँ थोड़े से रोकिए, यहाँ पे थोड़ा सा रोकिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में अभी तक नहीं देखे, एक कॉन्सेप्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, बड़ी आराम से देखिएगा, बड़ी आराम से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है हम लोग का ऐसा, एक कॉन्सेप्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट और है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ध्यान से। फिर उसके बाद है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, मतलब ये तीन कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन कॉट पाई बाई टू, सेक और कोसेक पाई बाई टू। जल्दी देखिए, अब इसी एक कॉन्सेप्ट से ढेर सारी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, इसे आप बड़ी आराम से ध्यान रखोगे, इस कॉन्सेप्ट को आप रखोगे ध्यान, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे। अब देखिए यहाँ से ढेर सारी चीज़ें बनने वाली है, जैसे यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, अगर हमें साइन का मान चाहिए, क्या चाहिए साइन का मान, तो हम साइन इनवर्स एक्स को इधर रखते हैं, तो उधर क्या है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू में से क्या भेज लेंगे कॉस भेज लेंगे। देखिए साइन को इधर रखते हैं तो पाई बाई टू में से कॉस इनवर्स एक्स कौन भेजेंगे, हो साइन को अगर रखते हैं तो पाई बाई टू माइनस कॉस, और अगर हम इधर ही कॉस को रखते हैं तो उधर पाई बाई टू में से क्या भेजेंगे, इधर ही कॉस को रखते हैं तो साइन को उधर भेजेंगे, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये देख लीजिए। उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, अगर हम टेन को रखें तो पाई बाई टू में से कॉट, कॉट को रखो तो पाई बाई टू में से टेन। आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, अगर पाई बाई टू में से कॉस घट रही है तो हमें साइन मिल रही है, पाई बाई टू में से साइन घट रही है तो कॉस मिल रही है, अगर पाई बाई टू में से कॉट घटेगा तो टेन लिखेंगे, पाई बाई टू में से टेन घटेगा तो कॉट लिखेंगे, पाई बाई टू में से कोसेक घटेगा तो हम सेक लिखेंगे, पाई बाई टू में से सेक घटेगा तो हम कोसेक लिखेंगे, मतलब पाई बाई टू में से अगर साइन घटता हुआ दिखे, देखिए ना गौर से यार, पाई बाई टू में से अगर साइन घटता हुआ दिखे तो हम कॉस लिख लेंगे, पाई बाई टू में से कॉस घटता हुआ दिखे तो हम साइन लिख लेंगे, उसी प्रकार पाई बाई टू में से कॉट घटता हुआ दिखे तो टेन लिख लेंगे, पाई बाई टू में से टेन घटता हुआ तो कॉट, मतलब सवाल में चेंज होते रहेगा ना भाई,
अब देखिए रह गई लोचा, ये यहाँ पे जो एंगल्स रहेगी वहां पे भी वही एंगल्स रहेगी। अब यहाँ ध्यान दे लीजिए, इसको थोड़ा सा रोकते, अब यहाँ पे आते हैं फिर से। देखिए हमें क्या लानी है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब गौर कीजिएगा, गौर कीजिए, हमें लाना क्या है 9/4, और यहाँ पे दिख क्या रहा है 9/8। तो पहले आप सोचोगे 9/4 इसमें भी है, 9/8 इसमें भी है, मतलब हमें दिख रहा है 9/4 कॉमन हो जाएगी क्या, ये दोनों में से 9/4 कॉमन होगी। चलो 9/4 इसमें भी है, 9/4 कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते क्या बचा पाई, 8 में से 4 कॉमन ले ले क्या बचा बट्टा में 2, माइनस 9/4 ले चुके कॉमन, तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ध्यान से देखने वाले हो आप, तुरंत ध्यान से देखने वाले हो, यहाँ 9/4 दोनों में था कॉमन ले लिए, जैसे कॉमन लिए तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हमें दिखा। अब ये देखिए क्या ये फार्मूला सेटिंग्स हो रही, अभी तुरंत आप देखे थे अगर पाई बाय 2 में से कॉस घटता हुआ दिखे तो आप साइन लिखोगे, पाई बाय 2 में से साइन घटता हुआ दिखे तो आप कॉस लिखोगे, पाई बाय 2 में से टैन घटता हुआ दिखे तो कॉट लिखोगे, कॉट घटता हुआ दिखे तो टैन लिखोगे, सेक घटता हुआ दिखे तो कोसे लिखोगे। अब यहाँ पे पाई बाय 2 में से क्या घटता हुआ दिख रहा है, पाई बाय 2 में से साइन घटता हुआ दिख रहा है, तो पाई बाय 2 में से साइन घटते हैं तो हम ये दोनों के लिए क्या लिखते हैं कॉस, तो यहाँ पे 9/4 तो है ही और पाई बाय 2 में से क्या घट रहा है साइन, तो पाई बाय 2 में से साइन घटता है तो हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब 1/3, यही ना एक्स है वो, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। अब देख लीजिए 9/4 तो आ गई भाई, कॉस आ गई, लेकिन लाना क्या हमें है, लाना है साइन। देखो 9/4 आ चुकी है और कॉस आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या साइन, और दिख रहा है क्या कॉस, तो क्या हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कॉस में इसको साइन में कन्वर्ट करें टेंथ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे देख लीजिए कॉस थीटा होता है बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, ऊपर वाला बी और नीचे वाला एच, तो इसीलिए पी बराबर कितना हो जाएगा, बदलने की व्यवस्था है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ऊपर वाला आधार और नीचे वाला कर्ण, तो लंब कितना होगा, लंब होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तिंतिया 9 माइनस आधार स्क्वायर 1, बताइए तो पी बराबर कितना हो रहा है भाई, पी बराबर हो रहा है रूट अंडर आठ ना, और रूट अंडर 8 को हम 2√2 बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये रहा हम लोग का पी निकल गई। अब देखिए लंब कर्ण आधार और कर्ण दिख रखा और हम लोग लंब निकाल लिए 9/4, सॉरी तो नीचे लिख लेते हैं 9/4 तो है और हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था साइन, तो हम कॉस को क्या बना लेते हैं साइन, तो जैसे साइन बनाएंगे तो साइन के लिए क्या होता है पी बटे एच, तो पी बराबर दिख रहा है 2√2, अब बटा एच बराबर दिख रहा है 3, तो ये रहा पी बटे एच, देख आपके आर एच एस मिल गए, बिल्कुल मिल गए, ये रहा आपका आर एच एस। तो इस प्रकार के सवाल के लिए कॉन्सेप्ट आप ध्यान दोगे, ये बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान दे सकते हैं। देखिए एक्स के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी भी रह सकती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 भी रह सकता है ना, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए भी रह सकती है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, इसका ढेर सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल्स और देख लेते हैं, मजा आ जाएगा आप लोग को। चलिए